अस्सलामुअलैकुम सभी भाइयों को। मैं हूँ शफी बेंगलोर से। जैसे हर बार बताता हूँ, सब लोग को तो पता है, फिर भी मेरा काम है बताना। तो आज हमारे पास आया है डाइवा का पूरा स्टॉक आ चुका है। जैसे रॉड और रील्स में है, क्या क्या आया है मुझे कंफर्म नहीं है। रॉड तो देख लिया हूँ मैं, तो देखते हैं। जो हमारे पास डाइवा जुपिटर पावर टिक और सफारी, ये दो 7 फीट में ख़त्म हुए थे, तो 7 फीट में फिर से स्टॉक आ गया है। तो जिन जिन को ये स्टॉक नहीं मिला था, कल आप लोग इसको बुकिंग डाल सकते हैं। तो इस बार थोड़ा प्राइजेस चेंजेस हो सकता है, शायद चेंजेस है, मुझे तो कंफर्म नहीं है। जो भी प्राइस रहेगा मैं वो चेंज करके कल री अपलोड कर दूँगा, आप वहाँ पर देख सकते हैं। क्योंकि इस बार डाइवा पाइनियर हर इसमें प्राइजेस इंक्रीज हुआ है, उसी लिए। लेकिन पिछली बार जो मेरे पास स्टॉक था तो प्राइजेस तो सेम है, लेकिन अभी जो अपलोड होने वाला है वो थोड़ा एक्स्ट्रा होगा, उसी लिए। तो चलिए पावर टिक, क्योंकि मैं बहुत बार बता चुका हूँ, उसी लिए ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा इसका। ऑलरेडी आप पुरानी वीडियोस भी देख सकते हैं इसके, पूरे अपलोड है, क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा। अभी बहुत सारा आइटम है जो निकालना है उसी लिए। तो ये एक है जुपिटर सफारी 7 फीट में, ये भी बेहतरीन रॉड है और इसका प्राइस बहुत कम था, इस बार थोड़ा ज़्यादा हुआ होगा। जो भी प्राइजेस रहेगा कल आप देख सकते हैं, वैसे भी प्राइस के साथ ही अपलोड करते हैं। बस इसमें 7 फीट आया है, इसमें 8, 9, 10 ऑलरेडी स्टॉक में है। और जैसे मैं ये बोला था, इसमें शायद 8 फीट ख़त्म हुआ है, एक दो पीस बचे हैं, लेकिन 9 फीट एक तकरीबन थोड़े पीसेस हैं, 4-5 पीस। तो ये ख़त्म होने तक वो फिर से स्टॉक में आ जाएगा, तो तब देखते हैं क्या होता है। तो चलिए, इसमें बस दो टाइप के रॉड हैं। तो ये हमारे पास आ गया पेंटाम पावर, ये तो टोटली शोल्ड आउट हुआ था, तो फिर से स्टॉक में आ चुका है। इसमें 8, 9, 10 तीन साइजेस भी अवेलेबल है, लेकिन बस हम एक बॉक्स ओपन करेंगे उसी लिए, क्योंकि सब बॉक्स खोलने से भी सेम रॉड ही रहेगा। उससे अच्छा है एक बॉक्स में ओपन करके आपको बताता हूँ, पूरा आपका ये क्लियर करता हूँ। चलिए, पेंटाम पावर, ये बहुत मस्त रॉड है। पेंटाम पावर बहुत मस्त रॉड है, बहुत फास्ट मूविंग भी है और बेहतरीन रॉड है। ये 8 फीट में आता है। चलिए, क्योंकि पिछली बार बैट कास्टिंग में आ गया था, तो इसीलिए थोड़ा डाउट था मुझे, लेकिन बैट कास्टिंग नहीं, स्पिनिंग ही आया है। तो ये आप देख सकते हैं पेंटाम पावर, बहुत लाइट वेट रॉड है और बहुत स्ट्रेंथ रॉड है, हेवी रॉड बोल सकते हैं। हेवी मीन्स मीडियम हेवी कास्टिंग है, लेकिन स्ट्रेंथ रॉड है, बहुत हेवी फाइट खेल सकते हैं। और ये आता आपको फूजी गाइड्स के साथ आता है, ये देख सकते हैं। सॉरी, मैं पेंटाम पावर बोल दिया, पेंटाम स्नैपर है, पेंटाम पावर उधर है, तो कंफ्यूज हो गया मैं। तो पेंटाम स्नैपर 8 फीट में, ये आप देख सकते हैं इसका पेंटाम स्नैपर, और इसका जो भी स्पेसिफिकेशंस है, बहुत मस्त रॉड है। ये ऑलरेडी कैटलॉग में अपलोड है विथ प्राइस, तो कल का प्राइस जो भी रहेगा मैं चेक करके इसको अपलोड कर देता हूँ। तो ये हो गया 8 फीट में। तो जैसे मैं बताया 9 फीट 10 फीट पूरे वही है, सेम डिज़ाइन है, बस कास्टिंग वेट भी थोड़ा सेम है, कास्टिंग वेट सेम है, बस रॉड का वेट जो है थोड़ा 100 ग्राम 50 ग्राम ऐसे रहेगा। ऑलरेडी अपलोड है, कल मैं लिंक ओपन कर देता हूँ। तो चलिए, बढ़िया है, क्योंकि ये बहुत जल्द ख़त्म होते हैं पेंटाम स्नैपर, पेंटाम पावर, क्योंकि ये बहुत अच्छे रॉड्स है। थोड़ा एक्सपेंसिव है, लेकिन बहुत लोग इसको पसंद करते हैं, क्योंकि जो भी हम रॉड लेते हैं, जो बिगनर्स हैं
मैं इनको वही रेफर करूँगा। कम दाम का रॉड लीजिए, वहाँ से शुरुआत कीजिए। और अच्छे एंगलर्स जो हैं वो ज़रूर ऐसा वाला ही आइटम ढूंढते हैं जो अच्छा रॉड हो, लाइट वेट हो। इस बार मैं ब्रेकफास्ट के लिए बुकिंग किया था, बस वो आया है नहीं आया है स्टॉक में मुझे पता नहीं, शायद नहीं आया होगा। तो जैसे मैं कल बिल चेक किया था नहीं आया, तो ये देख सकते हैं। चलिए इसका टैग पी लिया। और ये भी आता आपको फौजी गाइड्स के साथ आता है। ये भी बहुत मस्त रॉड है, ये एकदम लाइट वेट, बहुत लाइट वेट है, ये देख सकते हैं। और इसका डिज़ाइन फौजी गाइड्स, ख़ास कर ये सॉल्ट वाटर सीरीज़ के लिए बहुत बेहतरीन रॉड है। ये देखिए, ये सब रॉड जो है वन टाइम इन्वेस्ट है, वन टाइम है, थोड़े एक्सपेंसिव है लेकिन वन टाइम इन्वेस्ट रहेगा आपका। ये देख सकते हैं फौजी गाइड्स, ये खासकर ये जो फौजी गाइड्स आते हैं, फौजी बिलोंग दिया है, तो ये आपको खासकर साल्ट वाटर के लिए, स्पिनिंग के लिए और हेवी गेम के लिए, क्योंकि जितना लाइट वेट होता है रॉड उतना बेहतर और मज़ा आता है इसमें खेलने के लिए। तो देखते हैं किस किस को मिलता है। तो इसमें आया है 8 फिट और 9 फिट, दो साइज ही आया है। जो भी स्टॉक रहेगा कल मैं अपलोड कर दूंगा। हाँ, कैटलॉग में 10 फिट का भी रहेगा तो हम एडिट नहीं करेंगे, क्योंकि वो एडिट करने से फिर भी उसको हम एडिट करके अपलोड करने टाइम लग जाता है, क्योंकि वो बार बार नहीं कर सकते। हाँ, आप मुझे पर्सनली पूछ सकते हैं क्या क्या स्टॉक में है, मैं ज़रूर बताऊँगा। तो चलिए, हमारे पास एक बेहतरीन और एक आइटम आया है जो बहुत 3-4 मंथ हो गया आके, क्योंकि ये सबसे बेस्ट रॉड है। ये देख सकते हैं, ये मेरे पास पहले आ चुका था लेकिन दो दिनों के बाद फिर से स्टॉक में आया है। तो ये देख सकते हैं, जो सर्फ फिशिंग करते हैं सॉल्ट वाटर, क्योंकि बहुत बार मैं सर्फ फिशिंग की मेरी ज़ुबान से निकला है, बहुत लोगों को शायद कंफ्यूज रहेगा क्या है सर्फ फिशिंग। तो ये देखिए, ये खासकर होता है सर्फ फिशिंग रॉड जो हेवी गेम के लिए, जैसे आप सर्फ फिशिंग में, इसमें आप तकरीबन 50 किलो 40 किलो इसमें ऑलरेडी 40 किलो का स्ट्रेनलेस अब लैंडिंग किए वीडियो सब है मेरे पास। तो ये देख सकते हैं, ये आते हैं आपको के गाइड्स के साथ। के गाइड्स है, फौजी गाइड्स नहीं है, सी लाइन बोल के है, सी लाइन बहुत हेवी होता है। आप लेने से पहले सोच लीजिए, जो हेवी गेम खेलना चाह रहे हैं वही लेने की कोशिश करिए, क्योंकि ये आप देख सकते हैं इसका कितना मोटापा है, बहुत मोटापा है। बिग गेम के लिए होता है ये, नॉर्मल छोटे मछलियों के लिए नहीं, बिग गेम के लिए, क्योंकि आपका आप इसका सेकेंड टिप ही देख सकते हैं कितना मोटा है, क्योंकि बहुत लोग को फ़ोन में पता नहीं चलता, इसीलिए मैं इधर क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको लेने के बाद उसको बेकार में रख के ना छोड़े। तो ये देख सकते हैं बहुत हेवी है, इसका पूरा मैं कल अपलोड कर दूँगा। और ये आता है 13 फीट में, 13 फीट का रॉड है और 17 to 40 LB लाइन रेटिंग दिया है, लेकिन उससे ज़्यादा सामान लेगा ये, क्योंकि रॉड देखते ही पता चल रहा है। जो भी इसका स्पेसिफिकेशन जो भी है कल मैं अपलोड कर दूंगा, तो आप वहाँ पे देख के बुक कर सकते हैं। तो चलिए, ये हमारे पास, हाँ इसको बैक नहीं है, जैसे कोच पेंटम कवर को स्नैपर को दिया है उस तरह आपको इसको कोच नहीं आता, सिर्फ आपको कवर ही आता है, तो आप इसका कवर मत पूछिए। तो ये हो गया, इसका जो भी प्राइस रहेगा कल मैं अपलोड कर देता हूँ। तो चलिए, बस रॉड्स 5 मॉडल के रॉड आए हैं, बस उतना ही, और बाकी जो है शायद रील्स होंगे और थोड़े अदर प्रोडक्ट के एसेसरीज होंगे, जो भी है मैं थोड़ा उधर पे आपको वीडियो करके बताता हूँ। तो
चलिए मैं जैसे बोला रील स्टॉक में आ चुका है। तो ये पांचों बॉक्स है, एक ही मॉडल है, फाइव बॉक्स भी एक ही मॉडल है, क्योंकि ये थोड़े कम दाम का प्राइस है तो बहुत स्पीड मूविंग होता है, बहुत जल्दी सेल होता है, तो इसीलिए इसको ज़्यादा स्टॉक किया हूँ। स्ट्राइक फोर्स ये आप देख सकते हैं, स्ट्राइक फोर्स ये बहुत जल्द मूविंग होता है, बहुत जल्द ख़त्म भी होता है, तो ये हमारे पास स्टॉक आ चुका है स्ट्राइक फोर्स डाइवान। इसका ज़्यादा प्राइस नहीं है, कम प्राइस है और फास्ट मूविंग आइटम है और बहुत अच्छा रील भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसका ड्रैग तो मेंशन नहीं है, फिर भी जो भी ड्रैग रहेगा मैं कल बता दूंगा। वन बॉल बेयरिंग, रोटेटर, चलिए जो भी है आप इधर देख सकते हैं, 370 ग्राम का रील है, ये आप देख सकते हैं स्ट्राइक फोर्स, बहुत कम प्राइस है। और इसमें मुझे ये कंप्लेंट आया स्ट्राइक फोर्स में, और ख़ासकर ये जो बेल अलार्म है, बेल अलार्म का यहाँ पे एक स्प्रिंग आता है, वो स्प्रिंग कट होने का बहुत कंप्लेंट्स आया, तो मैं इसकी भी तैयारी करके रखा हूँ, अगर फ्यूचर में कुछ स्प्रिंग भी कट हुआ आपके लिए, वो स्प्रिंग्स मेरे पास अवेलेबल है, आप बेफिक्र इसको ले सकते हैं। अगर कुछ भी कट भी हो गया मैं आपके लिए वो स्प्रिंग्स ऑलरेडी अरेंज करके रखा हूँ, तो बहुत लोगों को दिया भी हूँ, शायद वो लोग डाल के भी यूज़ कर रहे होंगे, अगर आप वो यूज़ कर रहे हैं तो ज़रूर एक कमेंट में हमारे लिए कमेंट कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए इतना सब कुछ करता हूँ, मेरे लिए कमेंट तो कर दीजिए, मेरी थोड़ी हेल्प हो जाती है। तो ये हो गया, ये पूरे पांच बॉक्स स्ट्राइक फोर्स ही हैं, तो चलिए देखते हैं क्या आया है। हमारे पास न्यू आइटम आया है, जो पहली बार मेरे पास पहली बार आया है, बाकी दूसरों के पास क्या है मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे पास पहली बार आया है, तो MGS LT 5000, 12 किलो का ड्रैग है, बहुत मस्त लग रहा है मुझे बॉक्स देख के ही, 12 किलो का ड्रैग है, हाँ बहुत लाइट वेट बना है, जैसे हमारा क्रॉसफायर LT उस तरह का बनाया है, तो चलिए देखते हैं सर, बहुत मस्त रील है, चलिए हाँ 12 किलो का ड्रैग है, और इसमें 315 ग्राम 315 ग्राम रील वेट है, 6.21 गियर इशू है, और 12 केजी का ड्रैग है, और टू बॉल बेरिंग है, और रील का हैंडल गैप 1.5 सेंटीमीटर, बहुत बेहतरीन है। चलिए इसके रिव्यूज़ भी मैं चेक करके बताता हूँ क्या रिव्यूज़ हैं। बहुत स्लिम है, बहुत लाइट वेट है, और 5000 सीरीज़ में, 5000 सीरीज़ में बहुत लोग मानते हैं, बहुत बेहतरीन रील लग रहा है, और इसमें रिवर्स एंटी रिवर्स नहीं आता है, ये मोल्डेड आता है, एंटी रिवर्स इसमें नहीं आता है, तो ये मोल्डेड है। तो चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्या आया देखते हैं। तो क्रॉसफायर LT 5000, तो ये भी 12 किलो का ही ड्रैग है क्रॉसफायर LT में, तो ये मेरे पास ऑलरेडी 4000 सीरीज में स्टॉक है, तो 5000 में बहुत लोग मांग रहे थे, पिछली बार मुझे 5000 नहीं मिला था, सिर्फ 4000 ही मिला था, तो चलिए इस बार 5000 में स्टॉक आ चुका है क्रॉसफायर LT, और ये स्टॉक आके तकरीबन 2 हफ्ते हो गया बेंगलुरु, लेकिन मुझे खुद पता नहीं है ये स्टॉक आया है, क्योंकि हमारा लुकाना इतना अच्छा है, जो भी देता है बोलता भी नहीं है कि ये आ गया आप ले लो, नहीं बोलते हैं वो, बहुत ये करते हैं, कुछ भी नहीं बोलते वो। अभी तक मेरे हिसाब से हाफ रील्स तो सेल हो जाना था, मैं वही सोच रहा था क्यों हमें अभी तक आइटम नहीं आया, लेकिन आके पूरा 2 हफ्ता हो गया है बेंगलुरु, आज वो लुकाना का आइटम लेने गए हम, तो
तो बता रहे हैं आपका आइटम आके इधर पड़ा है 2 हफ्ते से। तो बोला मैं आप भी फ़ोन नहीं किए, बोला आपको पता रहेगा आ जाएंगे बोल के, वो भी भूल गए ये भी भूल गए हम इधर बैठ के भूल गए। चलिए कुछ नहीं कर सकते। ट्रांसपेरेंटी ये भी आ चुका है 12 किलो ड्रैग में, बहुत मस्त रील है। 4000 में स्टॉक ऑलरेडी है मेरे पास, आप चाहिए तो वो भी ले सकते हैं। प्राइस तो सेम रहेगा जो ओल्ड प्राइस है। हाँ मैं बताता हूँ क्योंकि इस बार प्राइस इंक्रीज हुआ है, लेकिन मेरा यही कॉन्सेप्ट है जो प्राइस है वही देता हूँ। मेरे पास ओल्ड स्टॉक है तो आप लोग उसका स्क्रीनशॉट इधर उधर मत भेजिए। मेरे पास जो ओल्ड स्टॉक डाइवा में है आपको वही प्राइस मिलेगा ओल्ड प्राइस। अभी जो न्यू प्रोडक्ट आया है उसका प्राइस चेंजेस रहेगा। आप लोग बेकार में हुए दूसरों को भी तंग मत नहीं करते हैं, मैं बता रहा हूँ आपको पता है मैं जो भी है मैं ओपन फ्रैंक बोल देता हूँ, आपको बता रहा हूँ क्योंकि ऐसा होता है फ्यूचर में दूसरों को भी हमें ये नहीं करना उसी लिए। तो चलिए हाँ जैसे मैं बोला जो ओल्ड प्रोडक्ट मेरे पास स्टॉक में है उसका प्राइस ओल्ड ही रहेगा, जो नया प्रोडक्ट अभी आप वीडियो में देख रहे हैं उसका प्राइस चेंजेस रहेगा। ये मैं इतना आपके लिए कर सकता हूँ, मेरे लिए नहीं, क्योंकि मैं आज तक मनी के पीछे नहीं गया हूँ, मुझे कस्टमर मेन है। तो ये हो गया। तो ये रिवर्स RRLT, रिवर्स RRLT ये भी बहुत मस्त रील है। ये भी ऑलरेडी मेरे पास 4-5 सब आ चुका है। बस ये मेरे लिए नया है क्योंकि फर्स्ट टाइम आया मेरे पास वो। तो बाकी के ये 2 रील्स तो मेरे पास आ चुके हैं। रिवर्स RRLT बहुत स्लिम होते हैं, बहुत फास्ट मूविंग रील्स भी है और बहुत लाइट वेट भी है। जैसे ये भी 12 किलो का ड्रैग है, 275 ग्राम का रील है, 275 ग्राम, और गियर इशू जो है 6-1, और बॉल बेरिंग जो है 4 बॉल बेरिंग है। तो ये रील से बॉल बेरिंग इसका ज़्यादा है। और हमारा क्रॉसफायर LT का बॉल बेरिंग 1 है, एक बॉल बेरिंग है एक बॉल बेरिंग का रील है, लेकिन रील भी अच्छा है, 12 किलो ड्रैग है, लेकिन ये 4 बॉल बेरिंग है, उसी लिए मैं सोच रहा था कि इतना स्मूथ है, बहुत स्मूथ है, 4 बॉल बेरिंग है। RRLT 5000। तो चलिए RRLT, तो इसको मैं थोड़ा हटा देता हूँ, तो देखते हैं फिर क्या आया है। ये सबकी ज़रूरतमंद चीज़ है, सबकी क्या मेरी खुद की ज़रूरतमंद चीज़ है, क्योंकि मैं भी अभी इसको लेके मेरे फ्रॉक्स चेंज करना है, पूरे फ्रॉक्स को डालना है। तो चलिए जिन जिन को ज़रूरत है आप सब लोग बुकिंग कर सकते हैं, क्योंकि ये सबसे ज़रूरतमंद चीज़ बोल सकता हूँ सबके लिए। और ये खासकर मैं थोड़े बड़े साइज़ में बनाया हूँ बोलकर, क्योंकि बहुत लोग थोड़ा लॉन्ग कास्टिंग के लिए बॉल्स भी यूज़ करते हैं, तो उसी लिए मैं इस बार इनको बोल के ख़ुद मैं इनको बड़ा साइज़ बनवाया हूँ, ताकि आपको वो सब रिक्स लेने की ज़रूरत ना हो, बस इसको डालो अपना काम चलाओ। तो थोड़ा बड़ा साइज़ है, अगर आपको इसको छोटा करना है आप फाइलिंग भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मुझे जो समझ में आया आपके लिए सोच के ये इस तरह मैं बनाया हूँ, क्योंकि उसमें आते हैं नॉर्मल रेट्स, इसमें शायद हाफ पॉइंट आते हैं। तो चलिए मैं आपको एग्जांपल बोल देता हूँ, ये सेंटर में जो है शायद उतने आते हैं, लेकिन मैं इसको थोड़ा एक्स्ट्रा बनाया आपके लिए, और इसका जो भी प्राइजेस है मैं अपलोड कर दूँगा, और इसमें हमारे तरफ से मार्जिन नहीं रहेगा, बस ये आपके लिए देने के लिए लाया हूँ। तो जिन जिन को फ्रॉक्स सब कट हुए हैं घूम हुए हैं तो आप लोग बुकिंग कर सकते हैं, क्योंकि हर छोटी से छोटी चीज़ मैं सोचता हूँ सबको, हर छोटी से छोटी ज़रूरतमंद चीज़ जो है वो यहाँ से मिल जाए, आपको कोई कमी ना हो, मेरी सोच उतनी ही है। तो चलिए फिर इसमें क्या आया देखते हैं। तो चलिए हमारे पास टूल बॉक्स आए हैं, टूल बॉक्स जो ब्लैक डिपर के जो खत्म हुए थे, टूल बॉक्स फिर से स्टॉक में आ चुके हैं। तो जैसे ये आप देख सकते हैं, ये बहुत बार बता चुका हूँ मैं, बहुत बार आ भी चुका है और फास्ट मूविंग भी है,
क्योंकि हर कोई एक का लाइकर नहीं रहता है, हर चीज़ के एक एक लाइकर्स रहते हैं, तो इसीलिए। तो इसमें पिछली बार जैसे कलर्स ऑरेंज दूसरे कलर्स थे, लेकिन इस बार थोड़े नए कलर्स दिए हैं इन्होंने, वाइट कलर में और येलो, लाइट येलो, ऑरेंज, ग्रीन और एक ब्लैक कलर, ब्लैक कलर। इसको डार्क ब्लैक भी नहीं बोल सकते, कॉफ़ी भी नहीं बोल सकते, उस तरह का कलर है। तो कल मैं फिर इसके फ़ोटोज़ लेके अपलोड करना है, लेकिन ओल्ड फोटोज़ जो रहेंगे वो तो रहेंगे, उसके फीचर का आप देखिए न्यू अपलोड, क्योंकि मैं फिर भी उसको डिलीट नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि फिर वो स्टॉक आता है, फिर मुझे वो एडिट करना पड़ता है उसी में। बस अगर जो भी आपको पसंद आता है, जो भी लेना पसंद है, आप तो स्क्रीन शॉट लेके मुझे दे सकते हो। बस इतने कलर्स हैं, तो चलिए इसमें क्या आया है देखते हैं। तो हमारे पास ये आ गया सबसे मस्त चीज़, जो प्राइस भी कम है और रिव्यूज़ तो बहुत ज़्यादा है, स्पाइडर लाइन। स्पाइडर लाइन ये बहुत बार आ चुका है मेरे पास, बहुत भी सेल हो चुका है, और ये आता है ग्रे कलर में, कभी कभार ग्रीन में भी आ जाता है, तो मैं कंफर्म नहीं हूँ। अगर ग्रीन कलर में रहा तो मैं ज़रूर अपलोड करूँगा, क्योंकि ये कभी कभार कलर चेंजेस भी रहते हैं, क्योंकि मैं तो इधर वीडियो में बताता हूँ लेकिन वहाँ पे चेंजेस हो जाता है। तो ये जो भी साइजेस रहेगा कल मैं अपलोड कर दूँगा। बहुत अच्छा लाइन है, बहुत अच्छा है, क्योंकि अच्छा है तभी जाके मैं अच्छा है बोलता हूँ, क्योंकि आपको पता है, तो बेहतरीन लाइन है। प्राइस भी इसका कम रहेगा, ज़्यादा नहीं रहेगा, तो आप कल देख के बुक कर सकते हैं, क्योंकि हर कोई भी अच्छे लाइंस और ज़्यादा पैसे में लेने वाले तो बहुत कम है, तो इसीलिए दोनों के लिए मैं तैयार करता हूँ हर चीज़। तो चलिए हमारे पास रिकी मारो, रिकी मारो ओरिजिनल है, रिकी मारो ओरिजिनल है। इतने दिन मुझे स्टॉक मिलता था, लेकिन ये जो डीलर है क्यूलेन टैकल जो केरला से है, इनके पास मुझे जितना पता है इनके पास ये प्रोडक्ट ओरिजिनल आता है। तभी तक मैं 2-3 मंथ्स इनके पास ये लाइन के लिए वेट किया, फिर इसको स्टॉक में लाया, नहीं तो बहुत जगह मुझे मिल रहा था लेकिन नहीं लेके आया मैं, क्योंकि मुझे पता है बैड रिव्यूस एक बार आ गया तो रिमार्क आ जाएगा। तो ये आता है आपको 100 मीटर का स्पूल, 100 मीटर का स्पूल है रिकी मारो में, और ये आता है डिस्को कलर, मल्टी कलर, मल्टी कलर में। और इसमें साइजेस जो भी रहेंगे कल मैं अपलोड कर देता हूँ, क्योंकि बहुत सारा है, बहुत सारा स्टॉक है, तो जो भी साइजेस रहेगा कल मैं पूरा व्हाट्सएप पे अपलोड कर देता हूँ। तो ये हो गया, और हमारे पास आया है ब्लैक डिपर में, हाँ 7x7 के भी स्टॉक आ चुका है, 7x7 वो भी स्टॉक आ चुका है। बस इसमें जैसे मैं बोला कलर, इस बार सेम कलर है, और ये कलर शायद इस बार पूरे 4 कलर या 5 कलर दिए हैं, सेम कलर है, तो पूरा वो लाइन्स ही है। तो मैं चलिए मैं एक सैंपल आपको बताता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा डिफरेंट इसके लॉक्स हैं, तो ये देख सकते हैं आप, इसका सिंगल लॉक आता है, टू साइड होता है, सिंगल लॉक है, आप इधर से जैसे ये हो गया टू साइड, क्योंकि ये सबसे डिफरेंट बॉक्स आता है खासकर वर्ल्ड डीपर में, बहुत अच्छा स्ट्रेंथ भी है और ये भी है। तो मेरे पास लुकाना का टूल बॉक्स है और वर्ल्ड डीपर दोनों है, क्योंकि हर किसी को एक ही पसंद नहीं आता, क्योंकि थोड़े लोग कलर्स पसंद करते हैं, तो उनके लिए कलर आइटम भी है, और नॉर्मल हमारा लुकाना का तो है ही है, लुकाना का चाहिए तो आप वो भी ले सकते हैं, प्राइस तो सेम है, दोनों का प्राइस सेम है, बस कलर्स के जो लवर्स हैं उनके लिए ये आइटम है। तो चलिए बस वो पूरे लाइन्स ही हैं, अगर मेरे से कुछ छूट भी रहा है कल मैं अपलोड कर दूंगा कैटलॉग में, तो वहाँ से देख के आप बुकिंग कर सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया सभी भाइयों का जो इतना लाइक और सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत जल्द लुकाना का जो स्टॉक आ चुका है, ऑलरेडी आप लोग देखे होंगे जो मैं हर जगह फोटोज शेयर किया हूँ, तो लुकाना का स्टॉक आ गया है, तो कल ये अपलोड होगा ये सब आइटम। तो
तो आपको शायद सैटरडे या संडे तक आपको लुकाना का पूरा प्रोडक्ट का वीडियो मिल जाएगा। तब तक के लिए आप इसमें से जो पसंद करते हैं आप ले सकते हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया सभी भाइयों को।